Everyone, welcome to study session. Today we are going to study about theories of stomatal movement. It is also called as chemo osmotic stomatal movement. In this, I have already discussed about theory of photosynthesis in guard cells and stacking that is starch uh, sugar interconversion theory. Now we will go to study about the theory of glycolate metabolism and active potassium transport and concept. And the, in the last we will go into discuss about the two hormones that is abscessic acid and cytokinin how they help in stomatal movement. So let's start.

जब आपका ग्लाइकोलिक एसिड की जब कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी या प्रोडक्शन हो जाएगी किसमें गार्ड सेल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें ये स्टोमेटल ओपनिंग में जो ग्लाइकोलेट है वो प्रोड्यूस हुआ कब जब लो कंसेंट्रेशन है आपके पास किसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसनट्रेशन कब होगी आपके पास जो फोटोसिंथेसिस हो रही होगी ठीक है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कंज्यूम होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तब आपके पास ग्लाइकोलेट की प्रोडक्शन हो जाती है उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ग्लाइकोलेट है वो किसको गिवराइज करता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को वो ग्लूकोज को गिवराइज करेगा दस रेजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वजह से क्या हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड एंड इट कुड पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एटीपी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो कि नाइट के टाइम आपके काम आएगी ठीक है विच माइट बी प्रोवाइड एनर्जी एट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ठीक है अगर हम बात करें डिमेरिट्स की ये फेल ये बिल्कुल फेट आपके पास जो ये थ्योरी थी वो क्यों थी क्योंकि उसने ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बताया स्टोमेटा रात को होती है तो उसने बताया कि उसने ये, ये इस कंसेप्ट को वो काम नहीं कर पाया ठीक है क्योंकि रात को तो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो रात को कई सेकुलेंस प्लांट में ओपन हो जाता है स्टोमेटा तो वो क्यों होता है और कैसे होता है ठीक है इन सम प्लाट्स स्टोमेटा हैज़ बिन फाउंड ना रिमेन क्लोज एवन ड्यूरिंग डे टाइम और कहीं बताया गया कि डे टाइम में भी स्टोमेटा क्लोज रहता है कुछ प्लांट्स में ठीक है वो क्यों रहता है तो वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट ब्लू लाइट का इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये ठीक है अब हम लास्ट थ्योरी की तरफ पहुंचते हैं वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसकी रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इवन आपका अलग से भी ये थ्योरी पूछ लेते हैं बाकी थ्योरीज नहीं पूछेंगे इस पर ही क्वेश्चन आ जाएगा पर्टिकुलरली ठीक है तो ये कौन सी थ्योरी आपके पास एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी ठीक है हम बाद में रोल ऑफ एब्सिक एसिड भी इसमें देखेंगे ठीक है क्योंकि क्या आपके पास हॉर्मोन है तो जो कंसेप्ट है आपके पास पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट का वो किसने दिया था फूजिनो ने दिया था वो सपोर्ट किसने किया था स्लेवेट एंड कल ने 1975 में क्या किया था उसको सपोर्ट किया था इट एक्टिव मैकेनिज्म नीड्स एटीपी एक्टिव मैकेनिज्म है जिसको एटीपी चाहिए और ये बेस पे है रिसेंट ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड होगा बिल्कुल ठीक है इसमें क्या बताएंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम अब डे टाइम में क्या क्या जरूरत है उसकी ठीक है जब वो ओपन करेगा प्रेजेंस ऑफ लाइट डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स ठीक है लाइट की प्रेजेंस में होगा स्टार्च का कंटेंट गार्ड सेल्स में कम होना चाहिए इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड मैलिक एसिड की कंसनट्रेशन गार्ड सेल्स में ज़्यादा होनी चाहिए इन्फ्लक्स इन्फ्लक्स मतलब अंदर अंदर गार्ड सेल्स के अंदर जाना चाहिए पोटेशियम ईफ्लक्स होना चाहिए जो जो का हाइड्रोजन आयन है उसका क्या होना चाहिए ईफ्लक्स वो बाहर की तरफ आना चाहिए और इनटेक होना चाहिए क्लोरीन का क्लोरीन अंदर जाना चाहिए गार्ड सेल से और लो कंसनट्रेशन होनी चाहिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ठीक है और लास्ट बोला उसमें पीएच कैसा होना चाहिए एल्कलाइन होना चाहिए बिल्कुल सेवन या सेवन से अबव होना चाहिए और हाई टर्गर प्रेशर होना चाहिए क्योंकि टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तभी तो ओपन होगा आपके पास स्टोमेटा और इसमें क्या बोला टर्गर प्रेशन मोट वर्ड्स द वॉल ऑफ गार्ड सेल्स एंड द स्टोमेटा विल ओपन ठीक है अब इस थ्योरी को हम अच्छे से जानते हैं थ्योरी ऑफ लेविट उसको हम लेविट कंसेप्ट भी बोल देते हैं और कई बार ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है अब इसमें क्या बोला गया जो स्टार्च है आपके पास ठीक है एक प्लांट है उसमें स्टोमेटा है स्टोमेटा में गार्ड सेल्स है गार्ड सेल्स में में आपका स्टार्च स्टार्च प्रेजेंट है ये किस कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में अगर लाइट है तो मतलब ये डे टाइम में ये वाली प्रोसेस होगी जब वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया आपके पास ठीक है फर्दर जो मैलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसम मैलेट आयन में और प्रोटोन में ठीक है जिससे आपको क्या मिल गया हाइड्रोजन आयन मिल गए एच पॉजिटिव आयन में आपको मिल जाते हैं ठीक है प्रोटोन दस फॉर्म बाई गोटोन मिले हैं वो गार्ड सेल्स यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं अब ताकि अपटेक कर, कर सके पोटेशियम आयन का ठीक है अब देखते हैं ये क्या आपके पास गार्ड सेल्स है गार्ड सेल्स के बाहर होते हैं सब्सडी सेल्स ठीक है सब्सडी सेल्स अब सब्सडी सेल्स है उसमें होता है पोटेशियम आयन अब जब यहाँ पे है हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा पोटेशियम आयन अंदर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ क्लोरीन आयन भी अंदर जाएगा ठीक है ये पूरा कंसेप्ट बन जाता है अब ध्यान से समझिए दिस एनिक आयनिक एक्सचेंज ऑफ द रिक्वायर द ए एनर्जी एटीपी एनर्जी चाहिए और साइटोकाइनिन एक हार्मोन है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें ठीक है इससे क्या होगा साइटोकाइनिन से कंसनट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज इन अ गार्ड सेल्स पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाती है क्योंकि कैसे होगी कंसनट्रेशन इंक्रीज जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा और उसके अंदर क्या आएगा पोटेशियम आयन ये सब कुछ किसकी वजह से होता है ये हेल्प से होता है आपके पास पोटेशियम हाइड्रोजन आयन अब क्या आपका गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है गार्ड सेल्स के पास ये है गार्ड सेल ठीक है गार्ड सेल के बाद होते है, सबस्ट्री सेल्स। सबस्ट्री सेल्स हैं सब्सिडी सेल्स सब्सिडी सेल और गार्ड सेल के बीच में प्रेजेंट होगा आपके पास एक पंप कौन सा पंप होगा हाइड्रोजन पोटेशियम आयन पंप ये पंप हेल्प करेगा पोटेशियम अंदर जाने में हाइड्रोजन बाहर आने में और इसको न्यूट्रलाइज करेगा क्लोरीन 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 भी अंदर 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 जाएगा जितने पोटेशियम जाएंगे जाएंगे उतने ही टू न्यूट्रलाइज इट ठीक है अब क्या बोला इसमें इन दिस विद द दिसन ऑफ द पोटेशियम आयन इंक्रीज दल गार्ड सेल के सेल के अंदर क्या होगी पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई एट द सेम टाइम जो कंट्री कंसेंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की वो अंदर डिक्रीज होगी अंदर डिक्रीज क्यों होगी वो डिक्रीज इसीलिए हुई वो क्योंकि वो

पॉजिटिव आइन अंदर गया वो किसके साथ उसने बना दिया मैलेट के साथ कंबाइन करके पोटेशियम मैलेट बना दिया ठीक है पोटेशियम मैलेट एंटर्स द सेल सेल्सैप ऑफ गार्ड सेल्स देयर बाय प्रोड्यूसिंग द वाटर पोटेंशियल इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्फेट सेल उससे क्या हो गया उससे आपके पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई जिस वजह से क्या हो गया अंदर हो गया आपका आ, हो गया आपका कंसे लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट बाहर हो गया आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट तो उसमें क्या हो जाएगी एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी एंडो ऑस्मोसिस होगी उसमें तो मतलब क्या होगा बाहर से सब्सिडी से जो पानी है वॉटर है सोलवेंट है वो अंदर की तरफ मूव करेगा सो द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विद इन दैमी पर्मेबल मैमब्रेन सेमी पर्मेबल मैमब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा वो ठीक है जिस वजह से क्या होता है गार्ड सेल्स फूल जाएंगे टर्जिट हो जाएंगे टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उस जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा ठीक है अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे थोड़े स्टेप्स के साथ तो आपको ईजी लगेगा CO2 टू की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी अंदर क्यों हुई डिक्रीज क्योंकि क्या हो गया लाइट के टाइम में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो जाती है फोटोसिंथेसिस से CO2 टू कंज्यूम हो गया तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी किसकी CO2 टू की जिस वजह से मैलिक एसिड फॉर्म हो गया अंदर स्टार्च से क्या बन गया मैलिक एसिड मैलिक एसिड ने फर्दर क्या बनाया मेलेट आयन बनाया और हाइड्रोजन आयन बनाया उस वजह से क्या हो गया उससे मैलेट आयन की प्रेजेंस में क्या हो गया आपके पास फिर की हेल्प से आपके पास जो पोटेशियम uh, हाइड्रोजन आपके पास जो पंप था वो एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से पोटेशियम इनटेक हो गए और जो हाइड्रोजन आयन है वो उसका ई फ्लक्स हो गया बाहर की तरफ आ गई उस वजह से क्या हो गया ओपी हो गया आपका इंक्रीज ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हो गया एंडोस्मोसिस एंडोस्मोसिस हो हो जाती है गई गई फिर गार्ड सेल्स बन स्टोमेटा ओपन हो गया और नाइट में क्या होता है आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी जब फोटोसिंथेसिस होनी ही नहीं है तो सीओ टू की कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज रहती है जब इंक्रीज रहेगी आपके पास कंसंट्रेशन सीओ टू की तो क्या बन जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट कैसे हो जाएगा क्योंकि जो सीओ टू है वो किसके साथ अष्टू के साथ मिलकर कार्बोनिक बनाता है कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड बना दिया कार्बोनिक्स एसिड बन गया तो एसिडिक एनवायरमेंट हो गया उस वजह तो से क्या होता है ए बी ए रिलीज हो जाता है ए बी ए मतलब एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड रिलीज हो गया उससे उसने क्या कर दिया पोटेशियम जो आयन है आपका हाइड्रोजन वाला पंप था उसने उसको बंद कर दिया इनिबिट कर दिया जिससे पोटेशियम आयन आना अंदर बंद कर जाएंगे और हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जाएंगे जब अंदर पोटेशियम आयन नहीं आएंगे बाहर भी हाइड्रोजन आयन नहीं जाएंगे जो मेलेट आयन है वो प्रेजेंट रहेंगे गार्ड सेल्स में ठीक है वो कंबाइन कर जाएंगे एच पॉजिटिव के साथ एच पॉजिटिव के साथ जब वो कंबाइन कर गए तो उन्होंने मैलिक एसिड बना दिया क्योंकि सुबह का जो मैलेट बना था वो तो अब वैसे का वैसा ही होगा मैलेट किसके साथ हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा फिर जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो मैलेट बन गया ठीक है जो मैलिक एसिड बन गया जो पोटेशियम ट्रांसपोर्ट किया था बैक इसमें सब्सिडी सेल्स में वो डिक्रीज हो जाएगा जिससे ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स में क्या हो जाएगी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी एक्सोस्मोसिस हो जाएगा फिर एग्जॉसमोसिस मतलब जो अंदर पानी आया था वो टर्जिट

ठीक है तो आपने बिल्कुल देख लिया किस तरह से क्या हो गया तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होगा आपका एबसेंस ऑफ लाइट चाहिए आपको डिक्रीज कंसेंट्रेशन चाहिए मैलिक एसिड की इफ्लक्स हो जाएगा पोटेशियम का इन्फ्लेक्स हो जाएगा हाइड्रोजन का ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया एसिडिक मीडियम हो जाएगा लॉस हो जाएगा क्लोरिन का ठीक है इंक्रीज हो जाएगी सी की कंसनट्रेशन गार्ड सेल्स में और क्या होगा आपके पास फोटोसेंथेसिस नहीं होगी तो आपका ऑफकोर्स यही बात है वो इंक्रीज होनी ही है तो प्रेजेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ हो जाएगी एबीए बी ए आपका सा जाएगा एबी कौन होता है इनिबिट करता है ये इनिबिट करता है पंप को ठीक है वो आ जाएगा और लॉस कर देगा टर्जिडिटी लॉस होगी आपके किडनी शेप गार्ड सेल्स ठीक है बिल्कुल ओफ्लैसड हो जाएंगे ठीक है ये सब कंडीशन कब होती है आपके पास जो बिल्कुल डे टाइम का रिवर्सल है सेम वही चलेगा ठीक है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अब हम लास्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक दैट इज रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन स्टोमेटल मूवमेंट जो रोल होगा आपके पास हार्मोन्स का स्टोमेटल मूवमेंट में वो किसका है साइटोकाइनासिस का है साइटोकाइनेसिस है वो हेल्प करता है किसमें हेल्प करता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पोटेशियम और जो किसकी है आपके पास पोटेशियम और हाइड्रोजन uh, की है जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप था उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है आपका जो है साइटोकाइनिन और जो इनिबिट कौन करता है एबीए दैट इज एप्सिक एसिड ठीक है जब भी आपका अब आपको इतना सा समझना है ठीक है जैसे यहाँ पर प्रोसेस चली है पूरी फोटोसेंथेसिस हुई फिर डिक्रीज हुआ कंसेंट्रेशन सीओ टू का स्टार्च हुआ स्टार्च किस में बना वो बना आपके पास मेलेट मैलिक एसिड में ठीक है मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड मेलेट एसिड में मेलेट में और हाइड्रोजन आयन में ठीक है हाइड्रोजन आयन से क्या हुआ हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ गया पोटेशियम अंदर की तरह आया जिससे क्या होगा साइटोकाइनिन ने यहाँ पे हेल्प की साइटोकाइनिन ने क्या हेल्प की उसने क्या किया पंप को एक्टिवेट कर दिया पंप एक्टिवेट कर दिया जब उसने तो फिर हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाएगा पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा तो उससे क्या हो गया डिक्रीज हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक इंक्रीज हो गया सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर और एंडोस्मोसिस हो गई फिर उसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया फिर उसे स्टोमेटा ओपन हो गया उसका ऑपोजिट होगा फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगी अब बिल्कुल ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि जब कंज्यूम हो ही नहीं रही है तो वो इंक्रीज होगी ठीक है उसके बाद क्या हो गया पास? हो वापिस वापिस आपके पास ऑर्गेनिक एसिड होगा जो कन्वर्ट नहीं वापस वापस ही जो उसमें प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन आयन के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और मेलिक एसिड बना देगा ठीक है जो मेलिक एसिड बनाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है फर्दर आपके पास मेलिक uh, एसिड में फिर स्टार्च बना देगा फर्दर तो उसमें कोई भी आपका कंज्यूम नहीं होगा ठीक है और उसमें जो साइटोकनिक एक्टिविटी थी वो तो भी इनिबिट हो जाएगी कौन इनिबिट करेगा उसको एबसेसिक एसिड एपसेसिक एसिड कैसे इनिबिट करेगा क्योंकि जो ई पी हो गया इंक्रीज हो गया वहां पर प्रेजेंस होगी एसिडिक नेचर हो गया वहां पर तो एबसेसिक एसिड आ गया ठीक है एपसेसिक एसिड ने क्या कर दिया इनिबिट कर दिया पूरे पंप को तो जब अंदर बाहर कुछ इन्फ्लक्स और आउटफ्लक्स नहीं होने वाला है तो वैसे की वैसी सिचुएशन रहेगी जिससे कि डिक्रीज हो जाएगा आपके पास ओसमोटिक कंसनट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया और आपका डिक्रीज होगी हो गया पानी कहां चला जाएगा अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा और और जो जो स्टोमेटा थे वो बिल्कुल हो जाएंगे आपका डे डे टाइम टाइम में होगा होगा सॉरी उसका जो रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल नाइट टाइम नाइट टाइम में बिल्कुल क्लोज जाएगा स्टोमेटा आपके पास ये पूरी प्रोसेस हो जाती है ठीक है अब हम बोलते हैं एपसेस्टिक एसिड का क्या रोल था एपसेस्टिक एसिड का वही रोल था जो हमने देखा वो क्लोजिंग करता है स्टोमेटा की कैसे ब्लॉक कर देगा वो पोटेशियम जो पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे थे घाट में उसको ब्लॉक कर देगा जो उसका पूरा पंप था उसको ब्लॉक कर देगा और जो एच पॉजिटिव आयन थे वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे उस वजह से क्या हो जाएगा एक्सेसि एक्सिड का बहुत अच्छा रोल है कब नाइट टाइम में आपके पास ठीक है जो ए बी है और और जो सी ओ टू है उसकी कंसनट्रेशन हेल्प करती है लोअर करने के लिए पी एच उसको एसिडिक बनाने के लिए एसिडिक कैसे बनाएगी कार्बोनिक एसिड बना देगी ठीक है उस वजह से क्या हो जाएगा मीडियम बिल्कुल एसिडिक हो जाएगा और पी एच बिल्कुल भी डिक्रीज uh, हो जाएगा ठीक है उसमें क्लोजिंग हो जाएगी स्टोमेटा की और जो ए बी है वो एक्ट क्या कैसे करता है वो स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहा जाता है उसे ठीक है क्योंकि जब डाउट कंडीशन होती है आपके पास जब बिल्कुल बाहर बिल्कुल भी पानी की समस्या हो गई मॉइस्चर नहीं है ड्राई कंडीशन है तो क्या होगा स्टोमेटा अपने आप क्लोज ही रहेंगे तो जो ये सब कुछ करता है, है ड्राई कंडीशन में प्लांट की उसके स्टोमेटा को क्लोज रखने के लिए तो क्या करेगा पंप को ब्लॉक करके रखेगा साइटोकोन को ब्लॉक करके रखेगा और जब पोटेशियम अंदर की तरफ नहीं आएगा और हाइड्रोजन अमाइन बाहर की तरफ नहीं जाएंगे तो पंप बिल्कुल काम नहीं करेगा जिस वजह से क्या होगा स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज रहेंगे सो so, ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो जाता है क्लियर अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर फर्दर टॉपिक्स एंड आपने सब स्पेशली मैंशन किया था टेलीग्राम चैनल पे कि हमें एवोल्यूशन और और साइटोजेनेटिक्स uh, पढ़नी है तो मैं उसके टॉपिक्स अब जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ एंड स्टे ट्यून्ड ओके